Hello students, welcome to today's lecture. Today we are going to start chapter number 6, that is square and square roots. So first of all, what is a square? In geometry, square is a polygon of four sides. Okay, its all sides are equal, and in arithmetic, square is when we multiply a number two times, okay? 1 into 1 is 1. When we multiply 2 by 2 times, then result is 4. When we multiply 3 2 times, result is 9. When we multiply 4 2 times, then result is 16. So, this is the square. Square means किसी नंबर को हमें दो बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज स्क्वायर. अब अगर हमें स्क्वायर में देखें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, व्हिच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर ही आ रहा है. सो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना. नंबर को, सेम नंबर को अपने आप में उसको टू टाइम मल्टीप्लाई करना, दैट्स अ स्क्वायर. Next is, what is the square number? Square number kya hai? Okay. Now, when we take the square of these natural numbers from 1 to 20, results are in front of you. Okay. So, when we take the square of 1, our result is 1, 2 square, 4, 3 square, 9, 4 square, 16. Similarly, 20 square equals to 400. The result obtained here, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, and so on, 400, these all are square numbers. So, when we multiply a number two times, then the result so formed is called as square number. Okay? So, 4, 1, 4, 9, 16, 25, 36, so on, these all are square numbers. Next topic is properties of square numbers. So first property is, check here. 1, 4, unit place of these numbers means one place of these numbers contain 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इनकी जो वंस प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. दिस मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनकी यूनिट प्लेस पे हमेशा आपको ये डिजिट्स मिलेंगे. ओके, अगर किसी भी नंबर की स्क्वायर यूनिट प्लेस पे हमें 2, 3, 7 या 8 मिले, देन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होंगे जिनकी वंस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिले. सपोज करिए आपको बोला जाए 323. इज 323 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो, बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस कंटेन 3. सिमिलरली 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स वंस प्लेस कंटेन 8. Now, second property is, check here, 1 square is 1, 9 square is 81, then 11 square is 121. Means, 1 square is 1, 9 square is 81, and 11 square is 121. In each case, digit at one place is 1. Okay? This means, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो जिसकी वंस प्लेस पे 1 या 9 हो, उसका जब आप स्क्वायर लोगे तो उसका स्क्वायर नंबर में वंस प्लेस पे हमेशा आपको 1 मिलेगा. दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी. सपोज करिए आपको निकालना है 31 का स्क्वायर. ठीक है, आपको पूछा जाता है बताइए 31 का स्क्वायर लिया, उसकी जो स्क्वायर नंबर आएगा उसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? तो आपको यहाँ पे चेक करना है, दिस इज 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा. इन केस आपको 39 दे दिया जाता है. ठीक है, तो जब आप यहाँ से 39 का स्क्वायर करना है आपने, तो आपको देखना है 9, तो वंस प्लेस पे 1.
क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कोई नंबर दिया बताइए उसके वन स्क्वेयर पे क्या होगा. तो इफ 1 and 9 इज अ यूनिट प्लेस देन द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर आल्सो कंटेन 1 and 1 स्क्वेयर. थर्ड प्रॉपर्टी इज चेक हियर. नाउ स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16, 6 स्क्वायर इज 36, ओके 14 स्क्वायर इज 196, 16 स्क्वायर इज 256. 4 square is 16, 6 square is 36, 14 square is 196 and 16 square is 256. अब आप यहाँ पे चेक करिए जिस भी किसी नंबर की वंस प्लेस पे आपको 4 या 6 मिले जब आप उनका स्क्वायर करोगे तो उनके यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 6 मिले. सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ 26 स्क्वायर. तो आपको यूनिट प्लेस मींस आपको वंस प्लेस का बताना है तो आप बोलोगे 6. ओके सो अगर आपको किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे 4 या 6 मिलता है तो उसकी यूनिट प्लेस पे जब आप उसका स्क्वायर करोगे उसकी यूनिट प्लेस पे आपको 6 ही मिलेगा. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज चेक 3 square is 9, 7 square is 49, 13 square is 169, 17 square is 289. So, 3 square is 9, 7 square is 49, 13 square is 169 and 17 square is 289. So, यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर की 1's place पे 3 या 7 मिलेगा जब हम उसका स्क्वायर करेंगे नंबर का तो उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसकी स्क्वायर उसकी वंस प्लेस पे हमें क्या मिलता है 9. अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 23 स्क्वायर इसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा. सो आपको देखना है 3 इज एट वंस प्लेस सो 9 इज एट वंस प्लेस ऑफ दिस स्क्वायर. ओके नाउ लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगर हम 10 का स्क्वायर करें हमारे पास आता है 100. ठीक है 10 स्क्वायर इज 100, 100 स्क्वायर इज 10,000. ओके 1000 स्क्वायर इज 1 2 3 4 5 6 जीरोस डबल हो जाएंगे. मतलब 10 का स्क्वायर था 100, 100 का स्क्वायर था 10,000, 1000 स्क्वायर इज 10 लाख. ठीक है अब हमने ये चेक करना है कि जिनकी मतलब जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं अगर किसी नंबर के जीरोस जो हैं, ठीक है जीरोस अगर इवन नंबर में आ रहे हैं देन दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके अगर किसी की जीरोस जो हैं इवन में आ रहे हैं हियर इज 2, हियर इज 4 एंड हियर इज 6 तो हम कह सकते हैं दैट नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब अगर किसी के सिंगल जीरो होगा सपोज 10 है और 1000 है, ठीक है और मेरे पास 5 जीरोस हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस पे जो इसकी जीरोस हैं सॉरी यूनिट प्लेस नहीं है इसके साथ जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो और नंबर में है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे. नेक्स्ट इज नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. अब हमें 2 स्क्वायर नंबर्स गिवन होंगे हमें बताना उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे. ठीक है सपोज करिए मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर इज 1, ओके 2 स्क्वायर इज 4. अब 1 और 4 के बीच में कौन कितने नंबर्स लाए करते हैं 2 एंड 3. ओके नाउ अब मैं लूंगी 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9. अब मुझे इन दोनों में बीच में देखना है कौन से नंबर लाई करते हैं 5, 6, 7, 8 कितने नंबर लाई करते हैं 4 नंबर्स. ठीक है सो हमें इसमें 2 नंबर्स हैं इसमें 4 नंबर्स हैं इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है 2n. अब आपको पूछा जाए बताइए 10 की स्क्वायर एंड 11 की स्क्वायर में कितने नंबर्स लाई करते हैं. Find the number lie between the square of 10 and 11. Okay.
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंबा नंबर है हम यहाँ से 100 लेंगे, यहाँ से 121, देन हमें इनको काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है 2 into n, ठीक है। n होगा हमारा जो इन दोनों में से छोटा वाला नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा वाला कोण हमें 1 और 2 के बीच में फाइंड करना था, छोटा वाला कोण है 1, तो 2 into 1 is 2, इसका मतलब इसमें 2 नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट इज 4 and 9, ठीक है। 2 and 3, 2 और 3 के स्क्वायर में छोटा कौन सा है 2, सो 2 and 2 into 2 is 4, यहाँ पे 4 नंबर लाई करते हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना हम इतना नंबर निकालने लगे, नो हम करेंगे 2 into 10, बिकॉज स्मॉलर इज 10, तो इसका मतलब इनके बीच 20 नंबर लाई करते हैं। नाउ अब अगर क्वेश्चन हो कि 50 square and 51 square में बताइए कितने नंबर लाई करते हैं, तो पहले हमें 50 का स्क्वायर लेना है, हमें 51 का स्क्वायर लेना है, फिर हम उनको काउंट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n, n इज द स्मॉलर नंबर, सो 2 into 50 is 100, सो 50 का स्क्वायर और 51 के स्क्वायर में 100 नंबर्स लाई करते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग ऑड नंबर्स। अब हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, ओके, 1 का स्क्वायर इज 1। अब अगर हम नेक्स्ट के 2 ऑड नंबर लेंगे 1 and 3, जब हम उनका सम करते हैं वो आता है 4, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ओके। नाउ अगर हम नेक्स्ट वाले 3 ऑड नंबर ले लें, 1 फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 + 3 + 5 = 9 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। नाउ अगर हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर ले लें देन रिजल्ट इज 5, 3, 8 + 1 = 9 + 7 = 16 एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। सो यहाँ पे हम इस पैटर्न में क्या हमें हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट वाला ऑड नंबर ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर ले रहे हैं, 2 ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर आएगा इसका रिजल्ट। 3 ऑड नंबर्स ले रहे हैं, 1, 3 and 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, सो 3 का स्क्वायर। इनका सम करने की हमें नो नीड, हम सीधे 3 की काउंट करेंगे, 3 का स्क्वायर को आपको पता चल जाएगा 9। फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लिए उनका हमें सम नहीं करना है, 4 है सो 4 का स्क्वायर इज 16। सिमिलरली अगर आपको 10 ऑड नंबर्स दे दिए जाएं तो आपको बताना है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 10 नंबर्स है 10 square = 100, सो 100 होगा। अगर आपको बोला जाए फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम निकालिए, सो 15 है, 15 square is 225, दिस मीन्स कि आप फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स लेंगे उनका जब आप सम करेंगे आपको 225 मिलेगा। सो दिस इज एडिंग ऑड नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। थैंक यू।